प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद यादव जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, कुशीनगर के लोकप्रिय सांसद और गोरखपुर में भी जो सहयोग करते हैं ऐसे श्री विजय दुबे जी, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष श्रीमती राजलक्ष्मी सिंहदेव जी, विधान परिषद सदस्य और उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के संरक्षक श्री पवन कुमार सिंह चौहान जी, मान्य विधायक और अध्यक्ष उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन रानी पक्षालेखा सिंह जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, मान्य विधायक गण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी, खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह जी, एशियन रोइंग फेडरेशन के उपाध्यक्ष कर्नल सीपी सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रोइंग फेडरेशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी गण और 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग प्रतियोगिता में भागीदार बन रहे देश भर से आए हुए सभी प्रतिभागी गण, उनके कोचेज हैं, इस पूरे फेडरेशन से जुड़े हुए जो रेफरी और अन्य पदाधिकारी गण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन से जुड़े हुए अपने पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता गोरखपुर के श्रामगढ़ ताल में आयोजित की, जो आज से 7 वर्ष पहले उपेक्षित सा पड़ा हुआ था। 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराध का एक गढ़ था और आज भगवान राम की कृपा से रामगढ़ बन चुका है, तो यहां पर इतनी अच्छी नेशनल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अभी हम लोगों ने यहां पर 2 प्रतियोगिताओं को देखा है, क्या जुनून है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में यह और भी अच्छे ढंग से यहां देखने को मिलेगा। यह मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है जब मैं यहां पर उत्तर प्रदेश के उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोइंग प्रतियोगिता के माध्यम से अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है, श्री पुनीत कुमार ये मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया है और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें लक्ष्मण अवार्ड के साथ ही खेल कोटे के अंतर्गत जिला युवा कल्याण अधिकारी देवरिया के पद पर इन्हें तैनात भी किया है।
श्री कुदरत अली ये लखनऊ के निवासी हैं, वर्ष 2005 में लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक और रजत पदक प्राप्त किए हैं। 2024 में ब्रिक्स गेम्स में ये भारतीय टीम के प्रशिक्षक के रूप में इन्होंने अपनी सहभागिता की है। श्री अरविंद सिंह ये बुलंदशहर के निवासी हैं, एशियन गेम्स 2023 में रजत पदक प्राप्त किए हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। मोहम्मद आजाद ये सुल्तानपुर के निवासी हैं, एशियन गेम्स 2014 में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं और 2023 में चाइना में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। श्री लोकेश कुमार ये हापुड़ के निवासी हैं, एशियन गेम्स 2010 में रजत पदक प्राप्त किए और वर्ष 2019 में रोइंग एशियन गेम्स भारतीय टीम के प्रशिक्षक रहे हैं। श्री राजेश कुमार ये संत कबीर नगर के निवासी हैं, एशियन गेम्स 2010 में दो रजत पदक प्राप्त किए, 2023 में एशियन गेम्स एवं वर्ल्ड कप तथा 2022 में एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप में ये भारतीय टीम के प्रशिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में इस खेल के लिए अनेक संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं से अपने आप को तराश करके इन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया, एशियन गेम्स में इन्होंने मेडल प्राप्त किए, विश्व चैंपियनशिप में मेडल प्राप्त किए और आज न केवल उन खेलों में प्रतिभाग कर रहे हैं बल्कि प्रशिक्षक के रूप में भी अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। यहां पर अभी जो बात उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय विधायक रानी पक्षालिका सिंह जी ने जो बात कही है और यहां पर जो रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्रीमती राजलक्ष्मी सिंह देव जी ने भी जो बात कही है, वाटर स्पोर्ट्स का एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने यहां गोरखपुर में इसी ताल के किनारे बनाया है और रोइंग फेडरेशन के लिए भी हम लोग इसमें स्पेस उपलब्ध करवाएंगे और मुझे लगता है कि ये लोग अपनी तैयारी करें, उत्तर प्रदेश और गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। आपने देखा होगा, मैं आज प्रातःकाल मंदिर अपने परिसर में था, मैं देख रहा था कई खिलाड़ी प्रातःकाल मंदिर परिसर में थे और मैंने जब उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भाई कहां से हो, तो उसमें कोई महाराष्ट्र का था, कोई बंगाल का था, कोई किसी अन्य राज्य से था। मुझे अच्छा लग रहा था कि देखिए देश के अलग अलग कोने से आकर के लोग न केवल यहां को समझने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का बेहतर उपयोग एक सकारात्मक दिशा में लगाने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है, समाज के निर्माण के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए। खेल और खेल गतिविधियां उन सब का आज हिस्सा बन चुकी है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज भारत के अंदर खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियों में बहुत परिवर्तन आया है। खेलो इंडिया खेलों का मत का हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, फिट इंडिया मूवमेंट हो, ये सभी खेल और खेलकूद की से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने भी अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के साथ जोड़ने का कार्य किया है। बड़े पैमाने पर आज एक कार्यक्रम चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर,
रोइंग प्रतियोगिता के लिए, उसके प्रशिक्षण के लिए रामगढ़ ताल तो अपने आप को तैयार करेगा ही। उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक जल स्रोतों का और जल संसाधनों का कमी नहीं है, ढेर सारी झील हमारे पास है। एक अवसर मिलेगा तो मुझे लगता है हर जनपद में इस प्रकार की झील उपलब्ध हो सकती है और उसका लाभ रोइंग प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहे सभी युवाओं को प्राप्त हो सकता है। खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो, हर जनपद स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, इन कार्यक्रमों को तो सरकार युद्ध स्तर पर बढ़ा ही रही है। ग्राम पंचायत को जो धनराशि उपलब्ध होती है उस ग्राम पंचायत की केंद्रीय और राज्य वित्त से जुड़ी हुई योजना के बारे में प्राथमिकता तय करते समय ग्राम पंचायत से यह भी कहा जाता है कि खेल का मैदान और ओपन जिम के लिए वे अपने आप को तैयार करें, क्योंकि ये गतिविधियां रहेंगी, खेल और खेलकूद से जुड़ी हुई गतिविधियां रहेंगी तो बच्चे नकारात्मक दिशा में नहीं जाएंगे। और आज तो इसमें कैरियर भी शानदार है, आपने देखा होगा 2020 में हम लोगों ने अपनी खेल नीति बनाई, खेल नीति में ओलंपिक में, एशियन चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिता में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को हम सीधे नौकरी शासन के विभागों में उपलब्ध करवाते हैं। ओलंपिक में जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, टोक्यो ओलंपिक में ललित उपाध्याय ने मेडल जीता तो उन्हें हम सीधे डिप्टी एसपी बनाए। इस बार भी भारतीय हॉकी टीम में उत्तर प्रदेश से दो खिलाड़ी थे, श्री ललित उपाध्याय और श्री राजकुमार पाल। राजकुमार पाल के लिए भी हम लोगों ने घोषणा की है। ऐसे अनेक खिलाड़ियों को, 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम उत्तर प्रदेश शासन के अलग अलग विभागों में शासकीय सेवा के साथ जोड़ चुके हैं। तो मेरा कहना है कि आज खेल अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। स्वस्थ शरीर तो बनाता ही है, स्वस्थ मस्तिष्क तो उसके साथ जुड़ता ही है, लेकिन उसको कैरियर को आगे बढ़ाने का भी एक सशक्त माध्यम उन्हें प्राप्त होता है। और मुझे अच्छा लगा कि आज यही रामगढ़ ताल, परिवर्तन यही होता है, जो परिवर्तन जिसके बारे में लोग कहते हैं कि क्या परिवर्तन है, तो परिवर्तन यही है कि आज से 10 वर्ष पहले इसी रामगढ़ ताल में गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के अपराध होते थे, इसके आसपास के क्षेत्र में होते थे, और आज यही रामगढ़ ताल लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का भी एक बेहतरीन डेस्टिनेशन बन चुका है। आप देखिए इसके किनारे एक से एक होटल बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं, कुछ बनने जा रहे हैं, ऑडिटोरियम बन चुका है, सर्किट हाउस बन चुका है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट सामने है, एक रेस्टोरेंट सामने है, यानी इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अलग विषय है कि रवि किशन आपको ना खिलाए, लेकिन ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट तो आपके लिए तैयार है। ये गतिविधियां बताती हैं कि एक ऊर्जा सकारात्मक दिशा में है, और इसलिए खेल और खेलकूद की गतिविधियों के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ओलंपिक गेम्स में, एकल गेम्स में कोई खिलाड़ी अगर मेडल जीतता है, गोल्ड मेडल जीतता है, तो राज्य सरकार की तरफ से हम उसे 6 करोड़ रुपया देते हैं, रजत पदक पर 4 करोड़ देते हैं, कांस्य पदक पर 2 करोड़ देते हैं, और प्रतिभाग करने के लिए कोई ओलंपिक में राज्य से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है उसे 10 लाख रुपए की सहायता भी राज्य की ओर से प्रतिभाग करने का ही केवल उपलब्ध करवाते हैं। टीम गेम पर स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पर 2 करोड़ और कांस्य पर 1 करोड़ की राशि उन्हें उपलब्ध कराते हैं। कॉमनवेल्थ में
स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख और प्रतिभा करने के लिए 5 लाख रुपए की सहायता राज्य सरकार ने उपलब्ध करवाती है। एशियन गेम्स में गोल्ड पर 3 करोड़, रजत पर 1.5 करोड़, कांस्य पदक पर 75 लाख और प्रतिभा करने का 5 लाख। वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख और सेफ गेम्स और नेशनल गेम्स में एकल में 6 लाख स्वर्ण पदक पर, 4 लाख रजत पदक पर और कांस्य पदक पर 2 लाख और टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 2 लाख, रजत पर 1 लाख और कांस्य पदक पर 50 लाख 50,000 रुपए की सहायता हम लोग उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। पुराने खिलाड़ियों को जो कोचेज का काम कर सकते हैं उन्हें, ऐसे खिलाड़ियों को हम लोग 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह के मानदेय पर प्रदेश के अंदर अलग अलग खेल के लिए कोच के रूप में भी बना वहां उन्हें यहां पर प्रदेश में नियुक्ति दे रहे हैं। पद्म पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को भी प्रतिमाह 20,000 रुपए की राशि उन्हें उपलब्ध करवाते हैं। असक्त और विपदाग्रस्त राज्य खिलाड़ियों को 4,000 रुपए, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता भी राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है। एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के माध्यम से अब तक 140 खिलाड़ियों को हम लोगों ने राशि उपलब्ध करवाई है और उत्तर प्रदेश अब मेरठ में अपना पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बना रहा है जो बहुत शीघ्र बनकर के तैयार होगा। खेल और खेल गतिविधियों को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए आज डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मुझे प्रसन्नता है कि रोइंग फेडरेशन ने सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप को गोरखपुर में आयोजित किया है और आज इससे जुड़ी भी प्रतियोगिता का अब ये फाइनल मैच यहां पे चल रहे हैं वर्तमान में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये गोरखपुर का जो ये प्रवास है इस फेडरेशन का भी और इस प्रतियोगिता का भी ये आनंदपूर्ण रहा होगा। आप सबके जो मेडल जीत रहे हैं उन सभी खिलाड़ियों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने बेहतरीन प्रयास किया लेकिन मेडल से वंचित रहे हैं, उनके प्रति मेरी सहानुभूति है लेकिन उनका प्रयास कभी विफल नहीं होगा बल्कि आने वाले समय में वे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मेडल उन्हें केवल यहीं पे नहीं बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्हें मेडल अवश्य प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को, उत्तर प्रदेश रोइंग एसोसिएशन को और उनके सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको दीपावली की भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।